जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती। मैं जगत चक्रवर्ती। अपने चैनल बॉन्करिंग होटल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम आपको जगन्नाथ मंदिर के देवदासी परंपरा के बारे में बताएंगे और कौन थी वो दो आखिरी देवदासी उनके बारे में ही बताएंगे। वैसे तो मैंने 2 साल पहले जब चैनल की शुरुआत की थी तो देवदासी के ऊपर वीडियो डाला था मैंने, मेरे जीवन जगन्नाथ सीरीज में वो वीडियो है। लेकिन जो आखिरी देवदासी हैं उनके बारे में मैंने बहुत कम जानकारी दी थी। जगन्नाथ मंदिर में जो देवदासी की परंपरा है वो 800 साल पुरानी है। दूसरे मंदिरों के मुकाबले यहाँ की परंपरा थोड़ी अलग है। दूसरे मंदिरों में जहाँ देवदासियों को बहुत ही ज़्यादा शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में उनके बहुत आदर सम्मान मिलता था, क्योंकि वो देव की मानवीय पत्नी होती थी। देव की पत्नी मतलब वो भी देवी हैं, तो देवी के स्वरूप में रूप उनको देखा जाता था जनमानस में। और जगन्नाथ मंदिर में 2 तरीके की देवदासी सेवा होती थी। एक होती थी महारी, जो नृत्य परिवेषण करती थी गीत गोविंद के छंद पर, और दूसरी होती थी गायोनी, जो गीत गोविंद गाती थी। एक गाती थी, दूसरी नाचती थी जगन्नाथ जी के लिए, क्योंकि वो उनके स्वामी हैं। जगन्नाथ जी को वो अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लेती हैं। और 12 साल की उम्र में या फिर 7 साल की उम्र में उनका चुनाव होता था। 12 साल से बड़ी उम्र लड़कियां देवदासी नहीं बनती थी, तो 12 साल की उम्र से ही वो जगन्नाथ जी को अपना स्वामी स्वीकार कर लेती हैं। तो एक पत्नी जिस तरीके के अपनी पति की सेवा करती है और पति के प्रति जो भी कर्तव्य होता है एक हिंदू नारी का, वो सारे ये संपादन करती थी, क्योंकि ये देव पत्नियाँ होती थी। और ये जो महारी नृत्य कला परिवेशन करती थी वो उड़ीसी, जो शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी, उसका आद्य स्वरूप है। महारी और उड़ीसी दोनों ही नृत्य भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। लेकिन नाचने के अलावा, गाने के अलावा इनकी बहुत सारी ड्यूटीज़ मंदिर में होती थी, सेवाएं मंदिर में होती थी। जगन्नाथ जी के बहुत सारे सेवाओं में देवदासियों का उलुलेशन करना कंपलसरी था। उनके उलुलेशन के बिना वो सेवा ही समाप्त नहीं होती। और ख़ासकर जब जगन्नाथ जी का नव कलेवर होता है, जब दारू पूरी में प्रवेश करता है बड़दांड के अंदर, और सिंह द्वार के सामने देवदासियां जो होती हैं वो खड़ी होकर उलुलेशन करती हैं और शंख वादन करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अब ये सेवा बंद हो चुकी है, क्योंकि जो दोनों देवदासियां थी, जो माहरी थी और जो गायन थी, दोनों का ही निधन हो चुका है। अभी आप जिन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लास्ट माहरी देवदासी थी शशिमणि जी, जो 2015 में जो नव कलेवर हुआ था जगन्नाथ जी के दारू के पूरी में प्रवेश करने से कुछ दिन पहले ही इनका स्वर्गवास हो गया था। तो जगन्नाथ जी के दारू पूरी में प्रवेश करने वक्त जो उलुलेशन इनको करना था वो रिचुअल रह गया, क्योंकि वो नहीं थी वहाँ पर उपस्थिति करने के लिए। और जो आखिरी गायोनी थी जगन्नाथ मंदिर की, गायोनी देवदासी या फिर गाहणी देवदासी, उनका नाम है पारसमणि देवी। उनका 2021 में स्वर्गवास हो गया है। और ये दोनों देवदासियों के जाने के बाद मंदिर में देवदासी परंपरा की जो 800 साल की परंपरा है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 12 साल की उम्र में ही देवदासियों का चुनाव होता है। जो प्रेजेंट देवदासियां होती हैं वो अपने फ्यूचर देवदासियों को चुनती हैं 12 साल की उम्र में ही, लेकिन इन दोनों ने किसी को भी नहीं चुना था अपने उत्तराधिकारी के रूप में। और आज के समय में और किसी ने भी अपने संतान को देवदासी के रूप में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए किसी को भी समर्पित नहीं किया है। तो इस वजह से जगन्नाथ जी के मंदिर में ये देवदासी की परंपरा बंद हो गई है, और उसी के साथ ही बहुत सारे नीति सेवाओं का भी बंद हो गया है जो देवदासियों के बिना नहीं हो सकती। तो अभी सरकार सोच रही है और मंदिर प्रशासन सोच रहे हैं कि देवदासियों की परंपरा की पुनः शुरुआत की जा सके, ताकि जो सेवाएं बंद हो गई हैं मंदिर में देवदासियों के ना होने से वो पुनः प्रचलन हो सके। तो शशिमणि देवी जी और पारसमणि देवी जी, ये दोनों थी जगन्नाथ मंदिर की आखिरी देवदासियां। देवदासियों के ऊपर हम पहले भी वीडियो डाल चुके हैं, हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है टेम्पल फूड ऑफ पूरी, उसी सेक्शन में देवदासियों के ऊपर वीडियो है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।